तो झारखंड की तमाम बड़ी झीलों और जलाशयों में जल्द वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रयोग के तौर पर झारखंड के कई जलाशयों में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार से रांची के गेतलसूद डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो रही है, जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। इससे पहले झारखंड के मैथन डैम, मसानजो डैम और उसके बाद पतरातू डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मुफ्त संचालित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। 17 जुलाई से रांची के निकट गेतलसूद डैम में भी एक्टिविटी शुरू हो रही है। पर्यटन का बढ़ावा होगा, थोड़ा क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ेगा। सबको जानकारी, नया चीज है, का जानकारी नहीं है क्षेत्र में, तो वो सब एक नई चीज है और इससे क्षेत्र में माहौल बनेगा। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के निर्देश पर एक वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी इस प्रक्रिया का संचालन कर रही है, जिसके अंदर जेट स्की, पैरासीलिंग, एटीवी बाइक बनाना राइड, रिंगो राइड, कैकिंग और सर्फिंग जैसी वाटर एक्टिविटी युवाओं को लुभा रही है। जहां भी एक्टिविटी की जाती है, वहां पर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, उसको उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज के प्रमोशन का कार्रवाई की जा रही है, और इसमें हम लोगों ने लैंड, एयर, वाटर सभी तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, और यह आम लोगों के लिए निःशुल्क है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि अगली 18, 19, 20 को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति वहां आकर रजिस्ट्रेशन ले सकता है अपना, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। दूसरे समुद्र तटीय शहरों में यह एडवेंचर एक्टिविटी व्यावसायिक होती है, लेकिन प्रयोग के तौर पर झारखंड में यह मुफ्त दी जा रही है। मगर यह प्रयोग सफल रहा और युवाओं ने इसे पसंद किया, तो झारखंड के 4 बड़े जलाशयों मसानजोर, चांडिल, रांची के निकट पतरातू और गेतलसूद डैम जैसे बड़े झीलों और जलाशयों में एक्टिविटी परमानेंट की जा सकती है, जिससे झारखंड में पर्यटन का भी विकास होगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।